तो क्वेश्चन नंबर दो है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहे हैं, आओ जरा हम बात करें और विचार करें इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी जो है ना बेहद ही आसान क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी हम बेहद ही आसान तरीकों में कर पाएंगे। और जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था डिट्टो यानी सेम टू सेम, वैसा ही क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो क्वेश्चन को हम कर सकते हैं आसान तरीकों में, लेकिन इसके लिए सबसे पहले करना क्या है, एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करना है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज अपने को बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या कहा, एक समकोण त्रिभुज यहाँ से बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ हो रहा है लेकिन कोई ना, हम लोग ये तो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोण ए हो गया, ये कोण बी हो गया, और ये कोण सी हो गया, तो ए भी एक समकोण त्रिभुज है। कोण ए पे विचार करना है, इसका मतलब ये हो गया हमारा कोण ए, सामने वाली भुजा हो जाएगा लंब, यानी कि ये हो गया हमारा पी, ये जो भुजा है ये होगा हमारा आधार, ये हो जाएगा हमारा बी, और ये वाला भुजा तो कर्ण है ही, ये हो जाएगा हमारा एच, ठीक है जी। अब देखो यहां से, यहां पर कह रहा है कि सेक ए के पदों में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान रखना है। तो अपने को पता क्या है, अपने को पता क्या है, देखो जरा, हम जानते हैं कि सेक ए बराबर जो है ना वो होता है एच बट्टे में बी, यानी कि इसको अगर लिखे ना तो कर्ण बट्टे में आधार, ये होता है सेक सेक ए बराबर। फिर हमने कहा कि सेक कर्ण बट्टे आधार जो है वो बराबर है सेक ए बट्टे वन के, यानी कि ये तो अनुपात हो गया है ना, ये एक अनुपात हो गया ना। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो कर्ण का मान यानी कि h का वैल्यू जो है वो निकल के आएगा x sec a। अब x हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये अनुपात में है ना, और इसी तरह से आधार का मान यानी कि b का मान हो जाएगा यहां से x। ये दो चीज पता चल गया जी, ठीक है। अब यहां से देखो ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, और ये काट देंगे तो फिर sec a बटे 1 ही आ जाएगा। हमने पहले भी बताया था कि देखो अनुपात का मतलब यदि कोई व्यक्ति अगर 30/40 लिख रहा है तो इसका अनुपात निकल के आता है 3/4। तो इसका ये कैसे लिखा हुआ है, 3×10 और बट्टे 4×10 ऐसा लिखा हुआ है ना। तो इसको कोई व्यक्ति 3/4 लिख रहा है, मतलब 10 नहीं लिख रहा है। अब चूंकि हर अनुपात है ना, तो हर क्वेश्चन में इसका ये वैल्यू तुमको पता नहीं होता है, इसलिए हम इसको लिख लेते हैं 3x/4x। ये बात हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो आ जाओ यहां से ये अनुपात हम लिख लेते हैं, h का मान पता चल गया, b का मान पता चल गया। अब यहां से देखते हैं हम कि p का वैल्यू क्या आएगा। भाई साहब p का वैल्यू देखो, यहां से p का वैल्यू जो निकल के आता है वो आता है हमारा h का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, यही होगा, यही बात हमने पढ़ा है। h का मान देखो, यहां h का मान क्या है, x sec a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b का मान हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आ जाओ जरा आगे देखो, अब ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर sec स्क्वायर a माइनस का x स्क्वायर, ये हो गया हमारा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अब करना क्या है, x स्क्वायर को यहां से क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ले लो x स्क्वायर को हम ले लेते हैं यहां से कॉमन, तो हमारे पास बच रहा है sec स्क्वायर a माइनस 1, ये हो गया जी। अभी देखो x स्क्वायर है ना, तो x आ जाएगा बाहर, और हमारे पास फाइनली बच क्या रहा है, फाइनली बच रहा है हमारे पास sec स्क्वायर a माइनस 1, ये बच रहा है रूट के अंदर में, ठीक है। अब देखो फाइनली हमारे पास है क्या क्या, ये देखो हमारे पास फाइनली है क्या क्या। अब p का मान हमको पता है, मतलब लंब का मान पता है यहां से कितना, x रूट अंडर sec स्क्वायर a माइनस 1, ये लंब का मान है। b का मान तो पहले ही पता था हमको x, और h का मान पहले ही पता था हमको x sec x, x sec a ये पता है हम। अब बोल रहा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखना है, तो लिखो जरा। अगर हम लिखे sin a बराबर लिखे, तो इसको लिख सकते हैं p बट्टे में h, ऐसा लिखते हैं। तो p का मान क्या है, यहां से x रूट अंडर sec स्क्वायर a माइनस का 1 बट्टे h का मान देखो क्या है,
एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, बराबर बचा क्या हमारे पास, बच गया हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 बट्टे सेक ए, ये हमारा साइन ए का मान हो गया। इसी तरह से कोस ए का मान यदि हम निकाले, कोस ए का मान तो ये हो जाएगा हमारा बी बट्टे में एच, ठीक है जी। बी का मान यहाँ पर कितना जरा बता दो, बी का मान हो जाएगा हमारे पास, देखो जरा बी का मान है एक्स और एच का मान अभी अभी हमने कहा एक्स सेक ए, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा 1 बट्टे सेक ए, ठीक है जी। साइन ए का निकल गया, कोस ए का लग निकल गया और हमको अब निकालना है टेन ए का। टेन ए का वैल्यू होता है पी बट्टे में बी, ठीक है जी। पी का मान यहां से कितना है, पी का मान है एक्स इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 और बट्टे में यहाँ पर b का वैल्यू देख लेते हैं, b का वैल्यू है x, यहाँ से ये कट जाएगा, बच गया हमारे पास sec स्क्वायर a माइनस का 1, ठीक है। तो ये वैल्यू हमको sin a, cos a और tan a का वैल्यू यहाँ से मिल जाता है। अब बाकी तीन और त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हैं जिसको हमको निकालना है, इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हो, हम इसको डिलीट कर लेते हैं। आ जाओ जी, नेक्स्ट मान किसके है हमारा, नेक्स्ट है कोसेक ए का मान। अगर लिखते हैं कोसेक ए तो इसका हो जाएगा एच बट्टे में पी, तो एच का मान कितना है, देखो यहां से एच का मान है एक्स सेक ए और पी का मान कितना है एक्स रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ये मान है हमारा। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारा सेक ए बट्टे में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ये मान हो गया हमारा। फिर हमारे पास है सेक ए, नेक्स्ट वैल्यू है सेक ए का वैल्यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा एच बट्टे में बी। एच का वैल्यू देखो यहाँ से कितना है, एच का वैल्यू है एक्स सेक ए बट्टे में बी का वैल्यू देखो यहाँ से कितना है, बी का वैल्यू है एक्स, तो ये सेक ए तो है ही, तो सेक ए बराबर सेक ए ही निकल गया, तो निकालना ही नहीं था। खैर नेक्स्ट वैल्यू हमारा कोट ए, कोट ए का वैल्यू क्या आएगा, तो कोट ए बराबर होता है बी बट्टे में पी और बी का वैल्यू देखो यहां से कितना है एक्स है और पी का वैल्यू देखो यहां से कितना है एक्स सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, एक्स से एक्स यहां पर कैंसिल हो जाएगा, कट गया, बच गया हमारे पास 1 बट्टे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो इस तरह से हमने जो भी वैल्यूज था हमारा साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट का वैल्यू हमने सेक ए के पदों में यहाँ पर लिख दिया। तो देखो इस तरह से करेंगे, क्वेश्चन बेहद ही आसान है, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, ठीक है।